सात फ्लाइट्स के मंगलवार को बम होने की धमकी मिली है। धमकी मिलने की वाली फ्लाइट्स में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाली विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डायवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहां यात्रियों और उसमें मौजूद सामान की जाँच की गई। फ्लाइट 24 रडार के मुताबिक प्लेन में आज सुबह 3 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी, जिसे दोपहर 4:30 बजे शिकागो पहुंचना था। वहीं इंडिगो की एक फ्लाइट को धमकी मिलने के बाद जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस को मदुरई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में धमकी मिलने पर सिंगापुर वायुसेना ने 2 F-15SG लड़ाकू विमानों को सुरक्षा के लिए भेजा। ये विमान फ्लाइट को चांगी एयरपोर्ट पर ले गए। दिन भर में 7 फ्लाइट्स को धमकी मिलने की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों ने कई एयरपोर्ट्स पर काउंटर टेररिस्ट ड्रिल की। जांच में पता चला है कि सभी धमकियां एक ही शख्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भेजी गई थी, जिससे कई 100 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में ये धमकियां झूठी निकली।